बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में दो बातें बताने वाले हैं जो अम्यून के बारे में है, अम्यून से रिलेटिव है कि अम्यून नहीं आ रहा है। किसी का 10 दिन हो गया, किसी का 8 दिन हो गया, बड़ा अफसोस लगता है कि लोग परेशान हो रहे हैं, हम लोग उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। कोशिश यही होती है कि हम उनके लिए कुछ करें, पर क्या कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है नहीं कि हम अपने हाथ से दे दें। तो मैंने इस बारे में अपने कफिल से भी डिस्कस की थी, मैं उनके साथ बैठा था, मेरी मीटिंग थी तो मैं उनसे बात कर रहा था। तो उसके बाद जो ऑप्शन निकला मेरे कफिल से बात करने का, वो माशाल्लाह बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन था। और मैंने फिर उनको अपने एक इंडिया में दोस्त थे उन पर अप्लाई उनको बोला कि आप इस तरह अप्लाई करें तो हो जाएगा। तो मैं पहला ऑप्शन बता देता हूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑप्शन बताऊँगा जो मेरे कफिल से मेरी बातचीत हुई। तो सबसे पहला ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं, एक मैंने एक पेज ओपन करके रखा है तवक्कलना का। तो ये पेज पे आप ओपन कर लेंगे इस तरह, ठीक है। अगर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ क्लिक करते डायरेक्ट यहाँ चले आएंगे। तो अगर जिसका अम्यून हो गया है, मुकिम पे उनकी वैक्सीनेशन सबमिट हो गई है, शो भी कर रहा है, ये बात तो तय है कि वैक्सीन सबकी अम्यून होगा। पर ये है कि वक्त से पहले नहीं हो तो कहना, वक्त पे ना हो तो फिर फ़ायदा क्या, वक्त के बाद हो तो वह फ़ायदा क्या है, टाइम्स के बाद हो तो। अभी मान ली बेचारे किसी लोग का वीज़ा 31 का ना है, 31 अगस्त तक है, तो किसी का 28 है, किसी का 27 है, अभी तक अम्यून नहीं आया है उनका वीज़ा, उनकी फ़्लाइट का टाइम है, उनका सारा टाइम, अगर अम्यून नहीं आया तो फिर ऐसे अम्यून का फ़ायदा क्या है, क्योंकि उनका टाइम तो निकल जाएगा वीज़े का, तो फिर फ़ायदा क्या है। तो कोशिश यही सब कर रहे हैं कि मेरा टाइम से हो जाए, टाइम से हो जाए, इंशाल्लाह सबका अल्लाह करेगा। क्योंकि हम लोग भी दुआ कर रहे हैं कि सब कोई अपनी रोज़ी रोटी पे आके लगे, हम लोग कोशिश भी ये कर रहे हैं कि भाई आप लोग जितनी हो सके हेल्प हम लोग कर सकें तो कर दें। तो सबसे पहले आप इस पेज पे आ जाएंगे, और ये पेज पे आने के बाद अगर आपका इम्यून नहीं हो रहा है, अगर आपके मुकिम पे वैक्सीन सबमिट हो गई है, शो कर रहा है, आपकी पूरी डिटेल शो कर रही है, पर आपके तवक्कलना में नहीं शो कर रही है, आपके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, आपको करना क्या है, आपको सिंपली इस पेज पे आ जाना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यहाँ आने के बाद आप सीधा यहाँ आरबी है, यहाँ इसको चेंज कर लेंगे, हम आरबी इसे इंग्लिश कर लेंगे। आप देख सकते हैं बंगला, हिंदी, सारी इंडोनेशिया, इसमें बहुत सारी लैंग्वेज उर्दू की है, तो हम इसे इंग्लिश इंग्लिश कर लेंगे। इंग्लिश करने के बाद जिनका अम्यून नहीं आ रहा है तवक्कलना में, जैसे बहुत सारे इशू होते हैं, जैसे में नेटवर्क इशू होते हैं, उनको अच्छा नेटवर्क भी चाहिए होता है, उसके बाद नेटवर्क उनको लोकेशन भी चाहिए होता है, उनका वर्जन पुराना न्यू वर्जन, हो सकता है आपका अम्यून वहाँ नहीं शो करे, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम यहाँ इसको इंग्लिश कर लिया है। उसके बाद यहाँ अगर आप अपनी आईडी को लॉगिन कीजिएगा, अपनी आईडी को यहाँ लॉगिन कीजिएगा, तो इसके अंदर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि अगर आपकी आईडी का ना वहाँ जैसे मसला है नेटवर्क का या अदर और भी कोई मसला है, तो यहाँ ऐसा कोई मसला नहीं। आप सीधे क्लिक करेंगे, सीधे आपकी जो भी ओरिजिनल स्टेटस रहेगा, जो भी ओरिजिनल जो तवक्कलना का ओरिजिनल स्टेटस जो भी आपको शो करेगा, आप डायरेक्टली यहाँ आए आपके सामने वो शो कर जाएगा। इस पे एक यही फ़ायदा है कि आपको तवक्कलना के अदर जो इशू है ना, यहाँ वो नहीं मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले मैं पेज ओपन कर लिया हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ हम अपना कामन नंबर डाल देंगे, यहाँ हम अपना पासवर्ड डाल देंगे, यहाँ आई एम नॉट रॉबोट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट नाउ पे, नेक्स्ट वन पे ओके करेंगे। तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगी, ओटीपी यहाँ डालेंगे, ओटीपी आ गई 2575, 2575, उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं अभी तक इनका इम्यून शो नहीं किया है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है अपना इम्यून चेक करने का। इसके अंदर आप अगर आपका इम्यून हुआ है, तवक्कलना का इशू है, अगर वहाँ आपके मुकिम पे वैक्सीन शो कर गई और आपके तवक्कलना में आपका इम्यून नहीं शो कर रहा है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। सबसे आपकी ओरिजिनल तवक्कलना के क्या कंडीशन है आपके, ये बेस्ट ऑप्शन है। आप वेबसाइट पे जाए, अपने तवक्कलना को लॉगिन करें, तो इंशाल्लाह वहाँ आपको
पता चल जाएगा। तो ये तो हो गया पहला ऑप्शन। उसके बाद हम चलते हैं अब दूसरे ऑप्शन की तरफ, कि जो दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन, जैसे मेरी कफिल से मेरी बातचीत हुई, कफिल से बातचीत होने के बाद मैंने उनको बताया कि मेरे हिंद में लोग हैं जो अम्यून को लेकर बहुत ज़्यादा ही परेशान है। 10 10 दिन हो गए, किसी के 11 दिन हो गए, उनकी वैक्सीन सबमिट नहीं हो रही है। तो वो क्या करें। तो बाद में कफिल ने जो ऑप्शन बताया तो माशाल्लाह बहुत सबसे मुझे अच्छा भी लगा, और मैंने तुरंत उनको बताया जो इंडिया में थे, जिनका कफिल उनको बुला रहा था कि तुम अपना उधर जल्दी करो जल्दी करो। तो कफिल ने बोला कि जिन जिन का भी अम्यून जो वैक्सीनेशन सबमिट कर चुके हैं, चाहे उनको 1 दिन हुआ, चाहे 2 दिन हुआ, चाहे 5 दिन हुआ, चाहे जितना दिन भी हुआ, वैक्सीन सबमिट करने के बाद अपने कफिल को बोले, अगर चाहें तो उनका कफिल भी करा सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि उनका कफिल तो खुद करा सकता है। उन्होंने बोला कि अपने कफिल को बोलो कि वो जाए जवाहरात, और जवाहरात जाने के बाद उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन तो होती है उसके स्टाफ की जो घर जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद उनको जवाहरात में जाएं, और जवाहरात में जाने के बाद उनको बोले कि मेरा जो आदमी था सफ़र पे है किसी भी कंट्री में है, और उसने वैक्सीन सबमिट कर दिया है, उसका अम्यून हमको चाहिए। तो बाद में मैंने उनको बोला, तो उन्होंने अपने कफिल को फ़ोन किया, तो कफिल ने उनको बोला कि मैं 1 घंटे में तुमको बता रहा हूँ। कफिल गया जवाहरात, और जवाहरात जाने के बाद 1 घंटे में उनके पास, मैं आपको स्क्रीन शॉट दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन शॉट आपको स्क्रीन पे है कि साफ लिखा हुआ है आउटसाइड किंगडम एस्ट्राजोनिक, ये इंडिया के हैं, और जो उन्होंने कोविडशील्ड वैक्सीन लगाई थी उस पर एस्ट्राजोनिक लिखी हुई आई है। फर्स्ट डोज भी टाइम भी लिखा हुआ, सेकेंड डोज का टाइम भी लिखा। कफिल ने 1 घंटे के अंदर उनकी मेडिकल रिपोर्ट तो सेहती से निकाल के उनको सेंड कर दी, और उसके बाद उनका 1 घंटे के अंदर अम्यून भी हो गया। तो जिन भाइयों का अम्यून नहीं आ रहा है वो सिर्फ अपने में परेशान है, तो अगर उनका कफिल उनको बुलाना चाह रहा है तो सीधा वो कफिल को कांटेक्ट करें, कफिल को बोलें, वो उनके सारी डिटेल्स उनके पास होती ही है, वो सीधा जवाहरात में जाएगा, आपका 1 घंटे के अंदर में आपका काम हो जाएगा अगर आपका कफिल चाहेगा तो। कोशिश करें कि अगर आपका भी नहीं आ रहा है और अगर आपका कफिल करता है सारी चीज़ें, आपको बुलाना चाह रहा है, तो आप सारी जिम्मेदारी उसी पर डाल दें, वो आपका काम 1 2 घंटे में 3 घंटे में करा के आपको दे देगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की कि अगर अम्यून नहीं आ रहा है तो अपने कफिल से ही बोलें, सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा, क्योंकि ये उनके उनके लिए नॉर्मल चीज़, उनके लिए आसान चीज़, क्योंकि उनकी यहाँ हुकूमत है, वो जवाहरात जाते हैं, उनको फ़ौरन उनका काम हो जाता है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोग की किसी तरह भी हेल्प करूँ, और अगर और भी कोई परेशानी आप लोग की तो मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, अगर अदर कोई बड़ा इशू है तो भी आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक मैंने दे के रखा है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।